दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश, और बीते सप्ताह की तीन बड़ी कथाओं पर, तीन बड़ी खबरों पर हम बातचीत करेंगे कि कैसे घटनाएं राजनीति में, अपने देश की सियासत में कैसे करवट ले रही हैं, कैसे नया आकार ले रही हैं, क्या क्या हो रहा है दोस्तों कर्नाटक के चुनाव के बाद। तो सबसे पहली जो बात दिखाई देती है कि किस तरह बेंगलुरु में शपथ ग्रहण जब सरकार कर रही थी सिद्धारमैया साहब की शुक्रवार को, जो विपक्षी नेताओं की जो एक तरह से जो वहां पर दिखाई पड़ी उपस्थिति, वो किस प्रकार की थी और वो क्या कहती है कहानी। आखिर कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता को किस प्रकार देख रही है, उसका क्या नजरिया उभर रहा है, क्या कोई नया पर्सपेक्टिव है विपक्षी एकता का, क्योंकि विपक्ष में भी दो तीन धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक धड़ा वो ये है जो कहता है कि विपक्ष को पूरी तरह यूनाइट हो जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, तभी भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकेगा। लेकिन दूसरा धड़ा है वो ये कहता है कि विपक्ष में सभी लोग असल में विपक्षी नहीं है, बहुत सारे विपक्षी खेमे में ऐसे भी लोग हैं जो सत्ता पक्ष के साथ बहुत, जिनकी निकटता है विपक्ष के, जो की जो व्यापक राजनीति है उसके जो बड़े सरोकार हैं उनसे उनका उतना लेना देना नहीं है जितना सरकार से लेना देना है, सत्ताधारी दल से लेना देना है। और तीसरे वे लोग हैं जो फेंस पर हैं, जो इधर भी हैं और उधर भी हैं। कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण के दिन जो नेता इस समारोह के लिए बुलाए गए, वे थे शरद पवार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता डी राजा, CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुल समद, RLD के जयंत चौधरी, शिवसेना के नेता, DMK के नेता और इस मुख्यमंत्री तमिलनाडु स्टालिन साहब, MK स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला साहब, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी PDP है उसकी नेता महबूबा मुफ्ती, जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की, ये लोग तो मौजूद थे ही। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की चीफ, उनको भी इनवाइट किया गया था लेकिन वो नहीं आ पाई। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव अपना वहां जरूर भेजा, काकोली घोष दास्तीदार के रूप में। तो ये रिप्रेजेंटेशन विपक्षी नेताओं का बंगलुरु के स्टेडियम में दिखाई पड़ा जहां शपथ ग्रहण संपन्न हो रहा था सिद्धारमैया सरकार का। अब सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया गया था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन वो नहीं जा पाए, वो अनुपस्थित रहे। कारण बाद में समाजवादी पार्टी ने बताया कि उनकी ताई का निधन हो गया था गांव में, इसलिए उनका जाना संभव नहीं हो पाया, वो कुछ अन्य उनके जो कार्यक्रम लगे हुए थे यूपी में उसकी वजह से वो कैंसिल हो गए। लेकिन उसके पहले ये मैसेज आया था कि अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। अब ये भी एक अजीब संयोग था कि समाजवादी पार्टी ने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भी वहां बंगलुरु में नहीं भेजा जैसा कि ममता बनर्जी ने भेजा, तो एक ये एक फर्क नजर आया। लेकिन कांग्रेस ने अपने इस महत्वपूर्ण आयोजन में जिन नेताओं को बिल्कुल आमंत्रण नहीं दिया और जो विपक्ष में समझे जाते हैं, उनमें कौन कौन थे ये आप सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और BSP की चीफ, के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय राष्ट्र समिति जो पहले TRS था उसके प्रमुख, नवीन पटनायक भारतीय BJD बीजू जनता दल के चीफ और ओडिशा के मुख्यमंत्री,
जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के चीफ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये प्रमुख कुछ नेता हैं जो आमतौर पे विपक्षी राजनीति का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन इनको निमंत्रण नहीं गया। दोस्तों, इसमें कई ऐसे नेता हैं जिनकी विपक्षी खेमे में भले गिनती की जाती हो, लेकिन विपक्ष की राजनीति से वो बिल्कुल गायब दिखाई देते हैं। आमतौर पे उनका सरोकार या उनकी संबद्धता मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी लेट गवर्नमेंट है उसके साथ ज्यादा दिखाई देती है। और मैं अगर नाम लेकर कहूं तो इसमें बीजेडी बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक साहब और उनकी पार्टी बीजू जनता दल जो पार्लियामेंट में जो कदम उठाती है, जो फैसले करती है, जिस तरह से उसका वोटिंग पैटर्न है अलग अलग विधेयकों पर, अलग अलग कानूनों का बिल पर, उससे साफ दिखाई देता है कि वो विपक्ष के मुकाबले सत्ताधारी पक्ष के शायद ज्यादा नजदीक हैं। और बीजू जनता दल ने वाकई जितने महत्वपूर्ण हाल के दिनों में फैसले लिए गए मोदी सरकार की तरफ से, जिनको विपक्ष की मुख्य धारा की पार्टियों ने सिरे से खारिज किया, लेकिन डंके की चोट पर बीजू जनता दल ने उनका पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया। तो एक ऐसी भी पार्टी है। दोस्तों, इसके अलावा चंद्रशेखर राव स्वयं भी काफी दिन तक मौजूदा सरकार के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में इतने खराब हुए कि अब एक दूसरे के वे खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। जगनमोहन रेड्डी कहने को विपक्षी खेमे के माने जाते हैं, लेकिन जगनमोहन रेड्डी की मौजूदा सरकार केंद्र सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं, और ये रिश्ते तब तक गहरे बने रहेंगे जब तक आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी शक्ति के रूप में नहीं उभरती है। तो ये एक पहलू जरूर है। इसी तरह से तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी भारत राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव, उनके लिए भी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी तब बनी, टकराव तब बढ़ा जब तेलंगाना के कई हलकों में भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है, जो उसका आधार है, वो लगातार तेजी से बढ़ता नजर आया। और तो और पार्लियामेंट के बाई इलेक्शन में उन्होंने हरा दिया बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवारों को इस पार्टी के। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस को एक तरह से बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पे रिप्लेस करने की भरपूर कोशिश में लगी है। देखना होगा इस इलेक्शन में कि क्या असर पड़ता है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असर ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना में भी पड़ेगा, और कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत तो फिर जरूर अपनी वापसी की कोशिश करेगी। तो ये पहलू बताना बहुत जरूरी था अपनी व्याख्या से पहले कि ये सिनारियो दिखाई दे रहा है। मायावती जी को न बुलाना, मैं समझता हूं कि उनके उनके उनको उनके सम्मान के तौर पे बुलाया जा सकता था, लेकिन ये सच है कि मायावती जी विपक्षी एकता के लिए प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, बल्कि केवल मायावती जी नहीं, मैं तो कहूंगा समाजवादी पार्टी भी, ये दोनों पार्टियां जिस तरह से आचरण करती हैं, जिस तरह से उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो चुनौती देने में नहीं, बल्कि उसके साथ एक हिडन कोऑपरेशन यानी एक अदृश्य सहयोग करने की एक मुद्रा दिखाई देती है कि भाई आप भी बने रहो, हम भी बने रहें, तुम्हें भी हम बनाए रखेंगे, लेकिन हमें बड़ी चुनौती तुम मत दो। और यही कारण है कि ये एक समय की ये ताकतवर पार्टियां जो सत्ता में रही, जो समाज के उत्पीड़ित और जो दमित और जो श्रमिक लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनमें सबसे अधिक ताकत रखती थी दोनों पार्टियां, वो आज की स्थिति में कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी एकदम उनका लुटिया डूब जाता है। तो ये हाल है इन दोनों पार्टियों का। लेकिन मायावती जी बिल्कुल, उनकी पार्टी को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दबोच सा लिया है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि बीएसपी को कहीं भी कुछ भी एसर्ट करने, एक्शन में आने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। और माना यह जा रहा है कि कई हलकों में जो दलित आधार मायावती जी का है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। यही कारण, यही स्थिति लगभग समाजवादी पार्टी की है, जिसके बेस में भारतीय जनता पार्टी ने काफी बड़ी सेंध लगाई है। और आज समाजवादी पार्टी ले देकर बयान तक सीमित हो जा दिखाई देती है, सिर्फ बयान देती है, कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं, कोई बड़ी सक्रियता का
कोई ऐसा मंच नहीं दिखाई देता उस पार्टी के लिए जहां वे लगे कि वो चुनौती देती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, इसीलिए कई बार कहा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश समूचे देश में विपक्षी राजनीति का एक गड्ढा बन गया है, जहां पर विपक्ष की एकता जो है जीरो हो जाती है। वो गड्ढा इतना बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी बगैर किसी कोशिश के और दिग्विजयी एकदम डंका पीटती हुई विजय की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों ये देखना जरूरी होगा कि क्या ये पर्सपेक्टिव सही है कि विपक्ष की एकता यानी वन टू वन यानी एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के मुकाबले एक विपक्ष का उम्मीदवार पूरे देश में करना क्या वाजिब होगा या ये गैर वाजिब होगा, अव्यवहारिक होगा। दोस्तों अगर मैं एक 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 जर्नलिस्ट के तौर पे देखता हूं तो मेरा यह मानना है कि भारत जैसे विविधता भरे देश में वन टू वन करना यानी एक के खिलाफ एक उम्मीदवार डालना ये शायद अव्यवहारिक ही नहीं असंभव भी है, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं देश अपने मुल्क में जहां पर विपक्ष की ही पार्टियां एक दूसरे के के, 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 के लिए खिलाफ खड़ी रहती हैं और यानी प्रतिद्वंदी जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वो विपक्ष की ही पार्टियां हैं और भारतीय जनता पार्टी उन प्रदेशों में है ही नहीं है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कर्नाटक को अगर आप छोड़ दें तो समूचे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की ताकत उतनी बड़ी नहीं है, कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो, जितनी बड़ी ताकत एक समय कांग्रेस रही है और आज भी है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं क्षेत्रीय दल हैं उनका या तो सहयोग कांग्रेस के साथ रहता है कई प्रदेशों में जैसे तमिलनाडु में, लेकिन कई जगह दोनों प्रतिद्वंदी बनकर उभरते हैं। केरल इसका उदाहरण है जहां CPIM और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती है मुख्य लड़ाई। तो ऐसे में एक के मुकाबले एक उम्मीदवार की जो धारणा है विपक्ष की, खासकर शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने कई बार इस तरह की पेशकश की है, मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक नहीं है और ये संभव भी नहीं है। ठीक उसी तरह से कोई ये कहे कि एक विपक्षी या क्षेत्रीय दल के लिए समूचे प्रदेश को छोड़ दे कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी छोड़ दे, यह भी अव्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि जनता को बेहतर विकल्प की तलाश है, विपक्ष में भी उसे 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 चाहिए कि भाई कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सत्ताधारी की दल के नीतियों के विरुद्ध बेहतर नीतियां लेकर आ रहा है। ऐसे में किसी एक पार्टी को समूचा प्रदेश छोड़ देने की जो बात है, जो सोच है या जो थ्योरी है, थीसिस है, वो मैं नहीं समझता हूं कि वो सिरे चढ़ने वाली है और या उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो विपक्षी एकता के बारे में जो एक ये तीनों पर्सपेक्टिव जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की है, उसमें मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कुछ बड़े मुद्दों पर जो दल एकजुट दिखाई देते हैं प्रैक्टिस में भी, उनकी एकता को पुख्ता किया जाना चाहिए, वही जरूरी है। और मैं समझता हूं कि कर्नाटक में जो बेंगलुरु का शपथ ग्रहण था उसमें जो कांग्रेस ने कोशिश की है उसमें उसी बात की का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वही चीज अभिव्यक्त होती नजर आती है। और दोस्तों इस सप्ताह की हमारी दो और खबरें हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, कि 2000 रुपए के वे नोट जिनको हमारी टीवी पूरम ने कहा था इनमें चिप लगा हुआ है, इनके अंदर चिप लगा है, जहां भी ये नोट जाएंगे वहां पता चल जाएगा लोगों को कि ये किसके पास है, तुरंत CBI, ED और जितनी एजेंसी हैं पता लगा लेंगी अगर उनको पता लगाना है या उनको कोई संदेह है। तो वो चिप वाले जो नोट है, माफ कीजिएगा मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, टीवी पर हमने कहा था, लेकिन मैं तो उसको बस उद्धृत कर रहा हूँ। तो ये 2000 के जो खूबसूरत जो नोट थे वो लाए गए थे 2016 के नोटबंदी के बाद, वो अब चलन से गायब हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। मजे की बात है जो RBI ने अब तक दिया है स्पष्टीकरण उसमें खात्मे की बात नहीं की है, उनके उनकी समाप्ति की घोषणा नहीं की है, लेकिन कहा कि वो चलन में नहीं रहेंगे। कब? 30 सितंबर यानी 30 सितंबर के बाद वे चलन में नहीं रहेंगे। उनकी छपाई 2018-19 में ही बंद कर दी गई थी और कोशिश अब ये होगी, लोगों से कहा जा रहा है कि वे 30 सितंबर तक यानी 23 मई से 30 सितंबर तक इन नोटों को अलग अलग बैंकों में जहां भी वो जमा करा सकते हैं जमा करा दें और उसके एवज में वे छोटे नोट और अन्य जो मुद्रा है उसको ले लें, उनके ऊपर कोई जांच नहीं कराई जाएगी, कोई पड़ताल नहीं कराई जाएगी, ये सरकार ने कहा है। दोस्तों याद रखिए कि 500 के नोट और 1000 के नोटों को बंद करके 2000 के नोट ये जारी किए गए थे, आज
सत्ताधारी दल के नेताओं को भी कहते सुना जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट की जरूरत ही क्या है, इसलिए सरकार ने सही फैसला इस बार किया है। यह बात सत्ताधारी दल के नेता कह रहे हैं, तो भाई अगर यह सही है कि इनकी जरूरत नहीं है तो 2016 में इनकी जरूरत क्या आ गई थी? 2016 में ये 2000 के नोट क्यों सामने लाए गए थे? भारत के अब तक के मौद्रिक इतिहास में, मुद्रा के इतिहास में सबसे कम जीवन वाले यही नोट हैं, यानी 2000 के नोट इनकी जिंदगी सबसे कम रही, करीब करीब 6-7 साल। 2016 में आए, 2023 चल रहा है, तो 6 साल हम मानेंगे, 6 साल की जिंदगी 2000 के नोट की रही। ये क्यों लाए गए, क्यों अब ऑल ऑफ सडन बंद किया जा रहा है? लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये खत्म नहीं किए जाएंगे, तो इसका क्या रहस्य है? मैं समझता हूं कि वित्तीय मामलों का कोई जानकार, खासकर मुद्रा और मौद्रिक स्थितियों के बारे में, मौद्रिक आर्थिकी के बारे में जो जानकार लोग हैं, भविष्य में इस पर जरूर रिसर्च करेंगे और कुछ नई फाइंडिंग्स जरूर आएंगी उनसे। और दोस्तों, तीसरी जो हमारी कहानी है इस बार की, वो दिल्ली में एक ऐसा, दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश लाया है जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल के दिनों में जो फैसला दिया था कि किस तरह से दिल्ली सरकार में कामकाज होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या सीमा है, क्या उनके काम की परिधि है, क्या उनके काम का दायरा होना चाहिए, कितना वो हस्तक्षेप कर सकते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के काम में और कितना नहीं कर सकते हैं, नेशनल कैपिटल जो है उसकी जो सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके अधिकारों की का क्या दायरा होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग में किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, किस तरह की पोस्टिंग में किसका ज्यादा रोल होगा। तो ये जो फैसला आया था जिस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने न केवल खुशी जाहिर की बल्कि देश भर में जितनी डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं उनका भी मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाजिब है, अननेसेसरीली अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के और सरकारी कामकाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से केंद्र सरकार गैर वाजिब हस्तक्षेप करती रही है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं रही है कि भाई राज्य की जो सरकार है वो भारत की गरिमा या भारत की प्रतिष्ठा में आँच डाल रही है, कोई ऐसा कदम उठाकर जिसमें कि केंद्र ने हस्तक्षेप किया। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले से उत्पन्न स्थितियों को पलटने का फैसला किया है एक तरह से, और उन्होंने इस अध्यादेश के तहत काम जो किया है वो ये किया है कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 3 लोगों की कमेटी होगी, और कौन कौन उसमें होंगे? उसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे दोस्तों, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी होंगे और मुख्यमंत्री होंगे, यानी मुख्यमंत्री जो इन सबके बॉस हैं उनकी वो भी बराबर होंगे इन दोनों अफसरों के, यानी अफसर जो चीफ मिनिस्टर के मातहत होने चाहिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के मातहत होने चाहिए, उनकी बराबरी होगी, और बल्कि इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होगा उस कमेटी में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला करेगी, और 2 जो होंगे वो अफसर होंगे, अफसर। ये डेमोक्रेसी का हालत बना दी गई है दिल्ली के स्तर पर, और यह फैसला किया गया। उसमें अध्यादेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रशासनिक मामलों में दखल देने अधिकार के स्तर पर सर्वोच्च मानने का भी एक तरह से प्रावधान किया गया है। अरविंद केजरीवाल सहित देश के तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे एक तरह का विधायी ताख्ता पलट की संज्ञा दी है, माना है कि यह बिल्कुल ये एक तरह से सरकार को अपदस्थ किए बगैर, सरकार को बिल्कुल निरर्थक कर देना, इररिलेवेंट कर देना, इस तरह की कार्रवाई है। और वो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हम लोग इस पर हस्तक्षेप करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएंगे, देखना है कि अब इस पर आगे क्या होता है। लेकिन बहुत एक तरह से व्यंग्यात्मक नहीं कहेंगे बल्कि एक बिल्कुल ठोस ढंग की टिप्पणी इस पर की है उमर अब्दुल्ला ने, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने, और उनको याद दिलाया है अरविंद केजरीवाल को कि आर्टिकल 370 पर वो उछल उछल कर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे थे, अब उनको समझ में आना चाहिए कि संविधान और संवैधानिक प्रावधानों का किस तरह सम्मान करती है मोदी सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार। तो उस वक्त जो उनका कदम था वो कैसा था, और आज वो अपने लिए जब रो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों, आज
इतना ही न्यूज मंथन में फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।